Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the past continuous tense, and today I am going to teach you about the past perfect tense, active and passive voice. So let's start the class of the day. फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अब तक आपके लिए कुछ अनजान चीज नहीं रहा होगा, आप समझ चुके होंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम शुरू करने से पहले सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, कन्वर्सेशनल वीडियो, लेट्स वॉच. Child, bloody fool child, sleep quietly, sleep silently. I will not take your school bag along with me. Hey, who are you? And what are you doing here? Didi, he is a thief. Oh my god, you will come to steal. Anjali, Aman, come here. What happened, Didi? What man? He is a thief. Bring my book. Don't shout anybody, okay? And don't move. Otherwise, I will kill her. I will shoot her. You all scared. You all scared. It's me. Oh my God. It's me. You all scared. Okay friends, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. This is the past perfect tense, active and passive voice. मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक्टिव का नहीं है. एक्टिव मीन्स टेंसेज में जो भी मैंने पढ़ाया था वो सब एक्टिव है, तो एक्टिव आपको बताने की जरूरत नहीं है. ये पैसिव है, पैसिव बनाने के फॉर्मूले बताया है मैंने. इधर एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है और इसका हम पैसिव बनाकर अभी देखेंगे. माय फादर है टाउट मी, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा दिया था. मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा दिया था, इसका हिंदी होगा. तो इसका हिंदी में हम अगर पैसिव बनाएंगे तो कैसा होगा कि मैं मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ाया जा चुका था, या मुझे मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ाया जा चुका था. तो यहाँ पर हम इसका इंग्लिश, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये वर्ब के बाद जो आता नहीं है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा. तो मी का आई सब्जेक्ट हो जाता है. आई हैड, फॉर्मूला देखो, हैड बीन प्लस वी थ्री, तो बीन लग जाएगा इसमें. आई हैड बीन टाउट बाय माय फादर. आई हैड बीन टाउट बाय माय फादर. दूसरा सेंटेंस है दे हैड ओन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके थे. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया द मैच. सिंपल सिंपल फॉर्मूला मेथड है कि जो वर्ब के बाद आ रहा है ना वो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, उसका पैसिव में आकर वो सब्जेक्ट बन जाता है. तो द मैच हैड बीन ऑन बाय देम. ठीक है फ्रेंड्स,
The match had been won by them. अभी हो गया he had killed the lion. The kill is the verb. इसके बाद जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा the lion had been killed by him. The lion had been killed by him. सिंपल है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है. जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाया था हैज बीन और हैव बीन लगाकर, सेम चीज है, बस वहां हैज और हैव की जगह हैड हो जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो हैज हैव से बनते हैं उसका पास्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें हैड हो जाता है. हैज और हैव का पास्ट होता ही हैड है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. और जो भी सेंटेंस इज आर एम से बनते हैं उसका पास्ट वाज वर होता है. सिंपल है. तो यहाँ पर हैज हैव हैड हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता था और पास्ट परफेक्ट में हैड होता है. और सिंपल है, वॉइस बनाते वक्त, उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन लगाते हैं उसमें. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं पैसिव टू एक्टिव. पैसिव से हम एक्टिव बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये पास्ट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंसेस लिख के रखा हुआ है इस पर, और इसका अब हम एक्टिव बनाना सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो पैसिव सेंटेंस क्या होता है वो तो आपको पता हो ही गया होगा कि द ट्री हैड बीन कट बाई देम. द ट्री हैड बीन कट बाई देम, पेड़ उन लोगों के द्वारा काट दिया गया था. उस पेड़ को उन लोगों के द्वारा काट दिया गया था. तो यहाँ पर कट बाई देम, बाई के बाद जो आ रहा है ना, हमेशा ध्यान रखना पैसिव सेंटेंस में जो बाई के बाद आता है, पैसिव सेंटेंस में बाई के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और उसका हम एक्टिव में अगर टर्न करेंगे तो वही सब्जेक्ट बन जाता है. तो देम का सब्जेक्ट दे होता है. तो दे हैड कट द ट्री, दे हैड कट द ट्री. अभी द कैट हैड बीन किल्ड बाई डॉग, बाई डॉग. यहां पर बाई के बाद क्या आ रहा है, डॉग आ रहा है. द डॉग इज द सब्जेक्ट फॉर द एक्टिव सेंटेंस, एंड इन दिस सेंटेंस, दिस पैसिव सेंटेंस, द डॉग इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है फ्रेंड, तो द डॉग लिखेंगे हम पहले. द डॉग हैड किल्ड द कैट. दिस लेसन हैड बीन टॉट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा ये लेसन पढ़ाया जा चुका था, मीन्स पढ़ा दिया गया था. तो यहां पर बाई के बाद द टीचर आ रहा है, तो द टीचर हम पहले लिखेंगे. द टीचर हैड टॉट दिस लेसन, द टीचर हैड टॉट दिस लेसन. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एक्टिव टू पैसिव. वेरी इजी, बहुत ही इजी है. आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आ जाएगा कि फिर आप कभी भूलोगे नहीं. बहुत इजी है. अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आता होगा, टेंस के सारे फॉर्मूलेज आते हैं, टेंस के कोई भी सेंटेंस आपको बनाना आता है, तो आपको वॉइस बनाने में, उसका पैसिव बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और पैसिव टू उसका एक्टिव बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप सीधा समझ आना. द ट्री हैड बीन, अगर हैड बीन लगा है तो समझना वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस अगर आपको पता चल गया तो उसका एक्टिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव का उसका फॉर्मूला क्या है वो भी पता होगा आपको, तो फिर आप एक्टिव आराम से बना लेंगे. सिर्फ बिन हटा देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, बाकी सब वही रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो मैं एक्टिव और पैसिव का वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. फिर भी आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ आपके पास सवाल होंगे आपके मन में, तो आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.